गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू क्लास सीनियर के जी। स्टार्ट इच क्लास विथ इंग्लिश वर्बल। इंग्लिश वर्बल में हम फोनिक साउंड सीख रहे थे। फोनिक साउंड्स में हम यहाँ तक लिख दिया था, हमने यहाँ तक लिखा था, और अब हमारे सर्कल ए स्टूडेंट्स क्लास वर्क है। Circle the words that have similar sounds. One is done for you. मतलब कि जो हमारा phonic sounds है, जो words एक जैसे है, उसके पर हमको क्या करना है? Circle. क्या करना है? Circle. हम यहाँ पे क्या है? M-A-P. Map. C-A-T, cat, क्या map या cat एक जैसे है? No, वो wrong है, वो एक जैसे नहीं है। M-A-D, mad, no. T-A-P, tap, yes, map and tap, दोनों words एक जैसे है। V-A, van, no, एक जैसे नहीं है। उसके बाद है B-A-T, bat, D-A-D, dead, T-A-N, tan, M-A-T, mat, L-A-P, lap, तो एक जैसे वर्ड्स B-A-T, bat, M-A-T, mat, तो B-A-T, bat and mat, तो हम bat पे सर्कल करेंगे और मैट पे। उसके बाद हैम, हाँ, और जाम, J-A-M, जाम, H-A-M, हाँ, P-A-T, बैट, C-A-P, कैप, C-A-N, कैन। तो 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन से वर्ड्स एक जैसे है? जाम, हाँ, तो J-A-M, जाम, A-J-M, हाँ, दोनों एक जैसे। उसके बाद है S-A-D, सैड, G-A-P, जैड, P-A-N, पैन, B-A-D, बेड, S-A-T, सैड। तो दो वर्ड्स कौन से एक जैसे स्टूडेंट, आप बताओगे कौन से है? S-A-D, sad, और B-A-D, bad. A-D, A-D. उसके बाद है F-A-N, fan, B-A-G, bag, F-A-T, fat, T-A-G, tag, S-A-D, sad. तो दोनों में से कौन से वर्ड एक जैसे हैं? बैग और टैग। उसके बाद है M-A-N, मैन, G-A-P, जैप, G-A-M, जाम, V-A-N, वान, H-A-T, हाथ। तो मैन, वैन, दोनों एक जैसे हैं। A-N और A-N। स्टूडेंट, ऐसा ही सेम होमवर्क टू टाइम आपको अपनी नोटबुक में करना है। इन नोटबुक ए वाला आपको अपनी नोटबुक में 2 टाइम कर देना है। उसके बाद है फोनिक साउंड। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? एटी वाला हमने सीख लिया, ए-एन वाला आ गया, ए-पी वाला साउंड।
उसके बाद ई एन, ई एन से साउंड स्टार्ट करेंगे, उसमें हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे पहले ई एन इन, ई एन इन, ई एन इन। उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे फोनिक साउंड, वर्ड्स वी इन, इन सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक में दिया है डी D E N, then H E N, hen, M E N, man, P E N, pen, T E N, pen। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, D addition in equal D E N, तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है जैसा हमने टेक्स्ट बुक में लिखा, नोटबुक में आगे लिखा था वैसे ही आपको लिखना है। तो डी एडिशन ई एन, ई एन से वर्ड्स लिखने हैं, इक्वल डी ई एन, डी एडिशन ई एन, इक्वल में क्या होगा डी ई एन। उसके बाद है एच ई एन, इक्वल हैन, एच ई एन, दोनों जो वर्ड्स है वो हम एक साथ कर देंगे तो वो पूरा वर्ड्स बोले जाएंगे एच ई एन हैन, और एच एडिशन इन इक्वल हैन। के बाद है एम ई एन, एम एडिशन इन बराबर दोनों इक्वल करेंगे तो एम ई एन मैन, क्या होगा मैन। P addition E N, तो उसका मीनिंग क्या होगा पेन, P इक्वल में क्या आएगा P E N पेन, क्या आएगा P E N पेन। उसके बाद है T addition in इक्वल, दोनों इक्वल में T E N, T E N, टेन, 1 0 10। वैसे टेक्स्ट बुक में भी ऐसा हो गया, उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे आई कैन रीड एंड राइट, मतलब आपको रीड भी करना है और राइट भी करना है, तो D E N देन, तो आपको लिखना है यहाँ पे D E N T E N pen, T E N pen, H E N hen, H E N hen, M E N man,
PEN पेन, जो हमारे पास पेन हम यूज करते हैं वो। उसके हो गया, उसके नीचे वाली लाइन में आपको अपने हिसाब से ही खुद लिखना है। अपने टेक्स्ट बुक में दोनों पेज, दोनों दोनों लाइन में आपको लिखना है, बट मैंने वन लाइन लिखा है, दूसरी लाइन भी आपको लिखना ही है। उसके बाद है इट, ई टी, इट, ई टी, इट। फोनिक साउंड में इट, इट के अनुसार जो भी वर्ड्स आते हैं वो हम लिख सकते हैं, ई टी, इट। तो आपको अभी जो मैंने ई एन से सिखाया वैसे ये वाला भी है, तो हम यहाँ पे इट लिख देंगे, ई टी, इट, ई टी, इट। वैसे एन, एडिशन, इट, इक्वल, नेट, डब्ल्यू, एडिशन, इट, इक्वल, वैन, एस, एडिशन, इट, सैन, पी, एडिशन, इट, इक्वल, पेट, जी, एडिशन, इट, इक्वल, जेट, और वी, वी, एडिशन, इट, इक्वल, वैन। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से नोटबुक में लिखना है इट, ई टी। उसके बाद फोनिक साउंड, वो तो हमने हम लिख देते हैं फोनिक साउंड। वर्ड्स विथ इट, वर्ड्स विथ इट। तो वैसे ही आपको लिखना है एन, एडिशन, एंड फॉर नोज, एडिशन, ई टी, इक्वल, एंड एडिशन इट इक्वल कर दोगे तो नेट, एन ई टी, एन ई टी, नेट। उसके बाद है डब्ल्यू, एडिशन, इट, इक्वल, डब्ल्यू, एडिशन, इट, इक्वल करोगे दोनों तो क्या बोलोगे आप, वेट। उसके बाद है एस, इक्वल, एस, एस, एडिशन, इट, इक्वल, एस, ई, टी, सेट। उसके बाद है पी, एडिशन, इट, पेन, पी, ई, टी, पेन। उसके बाद है जे, एडिशन, इट, इक्वल, जेट, जे, ई, टी, जेट। वी, एडिशन, इट, इक्वल, दोनों साथ में लिखोगे तो क्या लिख बोला जाएगा, वेन, वी ई टी, वेन। स्टूडेंट्स, आपको उसके बाद जो आई कैन रीड एंड राइट, तो आपको रीड भी करना है और राइट भी करना है, एन ई टी, नेट, वी ई टी, वेट, पी,
पैट, JET, जैन, SAT, सैट, VET। उसके बाद वाला आपको खुद ही लिखना है स्टूडेंट्स, और ये दोनों पे जो भी है सेम होमवर्क वन टाइम। ए और ए, इन एंड इट दोनों लिखना है। उसके बाद है हमें टेक्स्ट बुक में ही करना है सम मोर वर्ड्स। ए वर्ड से ईजी से, बी ईजी बैग, के ईजी केक, ले ईजी एल ईजी लेग, पी ईजी पैग। वैसे ही ईडी से है आर ईडी रेड, बी ईडी बैग, बी डब्ल्यू ईडी वेट। तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं ए वाले आपको अपने नोटबुक में वन टाइम लिख देना है स्टूडेंट्स। सम मोर वर्ड्स, सम मोर वर्ड्स ईडी और ईजी। ईडी से आर ईडी रेड, बी ईडी बेड, डब्ल्यू ईडी बेड। वैसे ही बी ईजी बैग, के ईजी केक, एल ईजी लेग और पी ईजी बैग। उसके बाद है आई कैन डू इट। वैसे रीड एंड मैच करेक्टली, मतलब आपको क्या करना है मैच करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। तो स्टूडेंट ए वाला आपका होमवर्क है, आपको जिस दिन भी वीडियो मिले उसकी डेट मेंशन करके ए वाला आपका होमवर्क है, आपको घर पे से करना है। मैंने आपको सिखा ही दिया है कि कैसे करना है। नेट, तो नेट यहाँ पे है जे ए वाला। पेट, तो पी ई जी पेट ए रहा। टी ई एन टेन ए रहा। एल ई जी लेग ए है। डी ई एन डेन, तो ए वाला डी ई डेन ए, फर्स्ट वाला जो हमें आगे देखा था डी ई एन। वैसे ही ए वाला आपको सेम होमवर्क है, उसके पीछे वाला है सर्कल द वर्ड्स दैट हैव इट साउंड्स एंड सर्कल द वर्ड्स दैट हैव इट साउंड एंड मैच देम विथ थ्री पिक्चर्स। मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको यही वाला मैच करना है। जैसे अभी आगे मैंने करवाया ये वाला वैसे ही। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेट, नेट है वहाँ पे आपको मैच करना है। तो देखना है कि नेट कहाँ पे है। वैसे सेम होमवर्क ए वाला भी आपको होमवर्क, स्टूडेंट ए वाला इजी है इसीलिए आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। और जो यहाँ पे थोड़ा हेल्दी है वो वाला मैं खुद करवाऊँगी। अभी आपको ए वाला सेम होमवर्क, उसके बाद फोनिक साउंड आई से स्टार्ट होता है वो वाला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ए वाला आपको लिखना है और होमवर्क भी कर देना है, वाला होमवर्क है आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स।